के सर्विस सेंटर आ चुके हैं यामा के। देखो एक ही बात बोलूँगा छोटी सी, काम करवाने वाले बतेरे होते हैं अंदर दुकान में, मतलब सर्विस सेंटर में काम करने वाले बहुत होते हैं, बस करवाने वाला चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों बोली है ये आप समझ जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है भाई। फ़ोन को निकालते हैं यहाँ से, गूगल मैप ओपन कर रखा था मैंने, ये मैंने निकाल दिया, सबको ओपन कर दिया, बंद कर दिया। काफ़ी लोग बोलते हैं फ़ोन मेरे पास कौन सा है, मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई मैं ये वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन, ये S20 Plus है, ये S20 Plus, ये वाटरप्रूफ फ़ोन है, इसको मैं यूज़ करता हूँ और इसी से मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ। कैमरा वैमरा मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बस हाँ ये कि GoPro मेरे पे Hero 8 है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये बैग मेरे पास हमेशा रहता है क्योंकि मेरे इसमें गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से बहुत बातें हुई हैं, फटाफट अंदर पहुँचते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि भाई इस गाड़ी के अंदर इंजन चेक लाइट आ रही है, उसको बंद करना है, क्या करना है, क्या है प्रोसेस बताएंगे जो भी है। भगवान भाई सब गाड़ियाँ तो बतेरी हैं, पूछता हूँ किसी बंदे से। भैया सर्विस सेंटर नहीं यही है ना, तो एक्चुअली कुछ करवाना था मुझे बाइक में, मेरी बाइक है V3, तो उसके अंदर इंजन चेक लाइट आ रही है। हाँ जी हो रहा है, एंड टू एंड बाइक तो यामा सर्विस सेंटर से ली थी, वो यामा शोरूम से ली होगी, कॉमन सी बात है, भाई ने ली थी, इतना याद नहीं है मुझे, पूछना पड़ेगा, अगर कोई अर्जेंट है तो पूछ लेता हूँ। अच्छा, तो एक बार आप रिकॉर्ड चेक कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सर्विस तो टाइम पे होती है। RC वारसी तो लेके नहीं आया, घर पे रखी हुई है। नहीं वो वाली है, ये रही ये वाली R3। बस एक छोटा सा इशू है, बाकी पूरी गाड़ी मस्त चल रही है, सिर्फ इंजन चेक लाइट आ रही है इसके अंदर, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करा दीजिए। इंजन चेक लाइट जो है ना, वो मैं अगर चाहूँ तो किसी भी तरीके से बंद कर सकता हूँ, मेरे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मेरे को आज मौका मिला था यामा सर्विस सेंटर आने का और थोड़ा सा देखने का, फीडबैक देखने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं जाता हूँ किसी जगह विजिट करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि भाई कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं और किस तरीके की फीडबैक आ रही है, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसी वजह से बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे उन्होंने ट्रीट किया और मेरा काम इस तरीके से किया है। अब देखता हूँ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी भाई, बाकी देखते हैं भाई, बने रहो वीडियो के अंदर और फटाफट देखते हैं। काफ़ी देर से मैंने बोल रखा है, कितनी देर हो गई, देखता हूँ बात, ठीक है। तो पूछता हूँ, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं है और मेरी बाइक भी यहाँ खड़ी हुई है, देखते हैं भाई क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, दोबारा बात करता हूँ, दोबारा पूछता हूँ, क्योंकि 5-10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। टाइम लगेगा क्या? मुझे एक छोटा सा काम करवाना था, अगर वो पॉसिबल है जल्दी तो हो जाए तो बढ़िया है। राहुल जी कहाँ पर है? ओके थैंक यू। राहुल जी कौन है? ओके। राहुल जी एक बार यार मेरी गाड़ी को यार कर देते बड़ी मेहरबानी होती, थोड़ा सा अर्जेंट था मेरे को, निकलना था कहीं, सिर्फ इंजन चेक लाइट आ रही है और कुछ ही नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है गाड़ी में, परफेक्ट। ये लीजिए, थैंक यू भाई। राहुल जी से बोला है मैंने बड़े अदब से और बड़े प्यार से, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है किसी से भी रिस्पेक्टफुली बात करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे से कोई रिस्पेक्टफुली बात करता है, मुझे बहुत नम्रता से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कोई मुझसे नम्रता से बात करता है। खैर देखते हैं फटाफट से आगे का, थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ कैमरे को और देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वेट करता हूँ थोड़ा, वेट करना ज़रूरी है भाई, कंपनी आया हूँ तो वेट तो करना ज़रूरी है, ठीक है। फटाफट से प्रोसेसिंग पे मिलता हूँ। तो भाई अंदर लेके गए हैं गाड़ी और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। खोया खोया चांद भाई, एक्चुअली ना मेरे भाई की गाड़ी है और मुझे कल मैंने उससे ली है गाड़ी, मुझे निकलना है किसी ट्रिप पर छोटी सी, मैं हमारा ग्रुप है ना ट्रिप पे जाते रहते हैं हम, कंपनी से ही कराते इतना कंफर्म है, बट ये नहीं पता कहाँ से कराते हैं। आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, अगर आप चेक करो तो RC भाई के पास है, देख लो यार, छोटा सा इशू कर दो यार, क्या इतना झमेला पालोगे, क्योंकि मुझे निकलना है 1 घंटे में भी। अच्छा ऐसा भी है, ये गाड़ी यहाँ की नहीं है ना, पर
ये बटला हाउस की तरफ से है। अच्छा ऐसा भी है, हो सकता है तो फिर आप ही के पास से हो जाएगी। अभी इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा भाई। कॉमन सी बात है, गाई बाइक नहीं लिया तो सर्विस तो कराएंगे। हाँ वो तो मैं इस बात से एग्री हूँ, बिल्कुल सही बात है। वैसे वारंटी में क्या क्या आता है भाई? अच्छा ये भी वारंटी में आता है, फ्यूल पंप भी वारंटी में आता है। हाँ श्योर, ये क्या रखे हैं इसके अंदर? स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन अच्छा हाँ गायब हो गई। तो ये एसी से करना पड़ता है कंप्यूटर से, इसका कोई इलाज नहीं इसके अलावा? ये गाड़ी ये BS6 है मेरी। ओके थैंक यू, रिकॉर्ड चेक कर लो। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, भाई को पता है, पूछना पड़ेगा। बटला हाउस अच्छा, क्यों मतलब क्या दिक्कत समझ में नहीं है? अभी कुछ पे करना है क्या? मतलब आदर से हमारा ऑथराइज नहीं है, अब अनऑथराइज है, मतलब तो आदर्श यामा अनऑथराइज है, अब एक साल से अनऑथराइज है। तो ये बात उसको पता है आदर्श यामा को? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब मेरा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा। जैसे हम अगर बाइक सर्विस सेंटर पे जाते हैं उनके पास, तो ये तो बताएंगे ना कि हम प्राइवेट हैं, हम सर ऑथराइज नहीं है। तो ये तो अब यार मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, थैंक यू। तो भाई फाइनली ये जो बाइक है ये ओके हो चुकी है, सेंसर लाइट चली गई है, काफ़ी अच्छा लगा इनकी जो फीडबैक में मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये राहुल भाई बहुत अच्छे लगे। बाकी भाई थैंक यू, आपने काफ़ी जल्दी मुझे निपटा दिया। ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो और क्या, अच्छा फीडबैक है, मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। बाकी थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी जल्दी कर दिया और मैं इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था इस चीज़ को लेकर, थैंक यू सो मच। भाई काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया ये काम, और ये सीरियसली बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो काम किया है ना बंदे ने, ये बहुत जल्दी कर दिया। और देखो अगर बात की जाए बंदे की, भाई मुझे माफ़ करना यार, इसकी आवाज़ जो है ना वीडियो की थोड़ी सी अजीब सी हो गई, क्योंकि हेलमेट में मैंने माइक लगा रखा था और मुझे लगता कहीं ना कहीं माइक के अंदर लूजनेस आ गई है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई आदर्श यामा कोई सर्विस सेंटर है यामा का,
तो हो सकता है वो अनऑथराइज तरीके से वो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को और उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसी वजह से इन्होंने बोला था कि चोर अपने मुंह से कभी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। तो भाई मैं इसको लेकर मैं इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। मेरा जो मेन मकसद था वो था इंजन चेक लाइट को गायब करना, और यहाँ पर मैं आया, इसकी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पर। पहला जो है वो ये कि मेरे को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस तरीके से मेरे से बातें की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, मुझे फटाफट से काम को निपटा दिया गया और मुझसे पैसे भी नहीं लिए गए। और बस इनका एक ही जवाब था कि सर्विस को टाइम से कराइए, अगर आप सर्विस टाइम से नहीं कराओगे तो आपकी गाड़ी की गारंटी ख़त्म हो जाएगी, हम भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल सही बोल रहे थे, अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही बोलता कि गारंटी बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर सर्विस टाइम पे नहीं कराओगे तो। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा, अगर यामा की या फिर कोई सी भी ऐसी आपने बाइक नहीं खरीदी है शोरूम से, तो उसकी शोरूम से ही सर्विस कराएं, उसकी बाहर सर्विस ना कराएं। अगर ऐसा करते हो आप तो गारंटी ख़त्म हो जाएगी और आपका ही नुकसान होगा, सामने मैकेनिक का नुकसान नहीं होगा। मैकेनिक को क्या जेब में पैसे भरने होते हैं, वो उसकी आप मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, बाकी आवाज के लिए आई एम सॉरी यार। वीडियो को लाइक जो करना है, शेयर जो करना है, कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी।